So good evening, everyone. Today we will continue our discussion on the areas on the similar triangle, and the topic that we are going to study is area of similar triangles. Sir, क्या है इसमें, क्या पढ़ने वाले हैं बेटा? हम इसमें ये पढ़ने वाले हैं कि हमारे जो दो सिमिलर ट्राइंगल्स हैं, हमारे जो दो सिमिलर ट्राइंगल्स हैं, ट्राइंगल एबीसी एंड ट्राइंगल पीक्यूआर, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द जस्ट एम सो व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द एरियाज ऑफ द टू ट्राइंगल? इन दोनों ट्राइंगल के एरियाज में क्या रिलेशनशिप है? दिस इज व्हाट आई एम गोइंग टू स्टडी नाउ. ठीक है, तो इसको करने के लिए अपने को दिया क्या हुआ है, अपने को एक चीज दी हुई है, दैट द टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर. The two triangles are similar. Now, my dear friends, if I tell you how to do this proof, तो यहाँ पे मुझे area का relation निकालना है. The statement that will be given to you is the ratio of the areas of two similar triangles is equal to the square of their corresponding sides. This is what will be given to me. I want to prove this. तो मुझे क्या मिलेगा? मुझे ये मिलेगा कि एक ट्राइंगल है एबीसी, उसके एरिया की बात हो रही है. एक ट्राइंगल है पीक्यूआर, उसके एरिया की बात हो रही है. नाउ आई नो दैट. फर्दर मुझे एक और चीज पता है कि ट्राइंगल एबीसी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पीक्यूआर. दैट मींस एबी अपॉन पीक्यू विल बी इक्वल टू बीसी अपॉन क्यूआर विल बी इक्वल टू एसी अपॉन पीआर. ये सारी चीजें मुझे गिवन है, ये सारी चीजें मुझे गिवन है. हमें लिखना क्या है? हम लिखेंगे यहाँ पे देर आर टू सिमिलर ट्राइंगल्स एबीसी एंड पीक्यूआर. देर आर टू ट्राइंगल्स एबीसी एंड पीक्यूआर सच डैट ट्राइंगल एबीसी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पीक्यूआर. ये मुझे दिया हुआ है. मुझे प्रूफ क्या करना है? आई हैव टू प्रूफ दिस रिलेशन. नाउ व्हाट आई विल हैव इज, भाई देखो एरिया कैसे कैलकुलेट करते हैं. एरिया कैलकुलेट करने का एक ही फॉर्मूला होता है, हालांकि एक और फॉर्मूला होता है, लेकिन एक जो जनरल फॉर्मूला होता है जिससे सारी चीजें कैलकुलेट होती हैं, बीट द एरिया ऑफ स्केलिन ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल और वट एवर ट्रायंगल इट इज, एंड दैट फॉर्मूला इज एरिया ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ बेस एंड एल्टीट्यूड डिवाइड हाफ ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ बेस एंड एल्टीट्यूड. दिस इज वॉट इज द रिलेशनशिप दैट आई नो. तो भाई अब मेरे पास तो ट्रायंगल दिया हुआ है सर, अब मैं कैसे एल्टीट्यूड कहां से लाऊं? एल्टीट्यूड तो दिया नहीं है. नहीं दिया है तो ड्रॉ कर दो यार. तो इस क्वेश्चन में कंस्ट्रक्शन ये हो जाएगा. कंस्ट्रक्शन करने से ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि उस कंस्ट्रक्शन की जरूरत क्यों पड़ी. दैट इज व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड. हमें हर क्वेश्चन को करते वक्त, जहां पे भी ज्योमेट्री के क्वेश्चंस होते हैं, जहां पे कंस्ट्रक्शन वगैरह होता है, हमें ये मालूम होना चाहिए कि सर अगर हमने कंस्ट्रक्शन किया तो हमने कंस्ट्रक्शन क्यों किया. यहाँ पे हम कंस्ट्रक्शन इसलिए कर रहे हैं दोस्त क्योंकि मेरे पास यहाँ पे दो एल्टीट्यूड्स हैं. मेरे पास, मुझे यहाँ पे एरिया निकालना है ट्रायंगल का, और ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए मुझे एल्टीट्यूड की आवश्यकता है. सो द एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, now what I have done is I have drawn two altitude, draw two. Now see, that word is draw, the word is not construct. हम कहीं पे भी construction करेंगे तो हम वहां पे draw लिखेंगे, हम वहां पे construct, हम वहां पे ईंट और पत्थर लेकर drawing नहीं करने जा रहे हैं, हम वहां पे लिखेंगे draw. Draw altitudes AM and PN of triangle ABC and triangle PQR. AM और PN दो altitude मुझे draw करने हैं, किसके? Triangle ABC के और triangle PQR के. ठीक है सर. Now I know that Area of triangle ABC will be equal to half into BC into AM. लिख सकता हूं मैं, कोई दिक्कत नहीं है. Further, area of triangle PQR is equal to half into QR into PN. ये दोनों चीजें मिल गई. अब दोनों ट्राइंगल्स को, दोनों एरिया को डिवाइड कर दो क्योंकि क्वेश्चन में भी डिवाइड करने के लिए पूछा गया. तो आई एम हैविंग BC अपॉन QR, BC into AM divided by QR into PN. ये मुझे मिल गया. अब क्या करूं? अभी तक तो मेरा काम हुआ नहीं है. अब इतना मैंने कर लिया. अब याद करो पिछली क्लास में हम लोगों ने एक रिलेशनशिप पढ़ा था. क्या कौन सा रिलेशनशिप पढ़ा था? वो ये रिलेशनशिप पढ़ा था, इफ द टू ट्राइंगल्स आर
सिमिलर और इफ द टू ट्रायंगल्स आर इक्विएंगुलर द रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स इज सेम एज द रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड्स दिस वी नो इफ टू ट्रायंगल्स आर इक्विएंगुलर देन द रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स इज सेम एज द रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड्स देयरफॉर सर फ्रॉम हियर आई कैन ऑल्सो से दैट बी सी अपॉन क्यू आर इज इक्वल टू ए एम अपॉन पी एन हो गया रिलेशनशिप मिल गया AM upon PN की जगह BC upon QR से रिप्लेस कर दो सो वी नो दैट AM upon PN इज इक्वल टू BC upon QR therefore the ratio of the areas will be equal to BC upon QR multiplied by BC upon QR which is equal to BC square BC upon QR whole square I also know that this ratio is BC upon QR is also equal to AB upon PQ whole AB this will also be equal to AB upon PQ whole square I think this color will not be visible to all of you AB upon this thing and this will also be equal to this will also be equal to AC upon PR whole square this is how the relationship can be proved सर अगर एक सवाल और उठता है कि सर अगर ये रिलेशन याद नहीं रहा तब क्या करेंगे क्या हम ये प्रूफ नहीं कर पाएंगे क्यों नहीं कर पाओगे नथिंग इज इम्पॉसिबल करना करने की इच्छा होनी चाहिए एवरीथिंग इज पॉसिबल मान लो एक सिचुएशन देता हूं मान लो यहां तक तो हम लोगों ने कर दिया उसके बाद हम भूल गए याद नहीं रहा भाई या वो याद तो है कि ये इसकी इक्वल होता है लेकिन स्टेटमेंट याद नहीं है तब क्या करेंगे कुछ करने की जरूरत नहीं है घबराने की जरूरत नहीं है नहीं घबराओगे सवाल हो जाएगा घबरा जाओगे सवाल नहीं होगा देखो जरा ध्यान से ट्रायंगल ए एम बी इन ट्रायंगल ए एम बी एंड ट्रायंगल पी पी एन क्यू ट्रायंगल ए एम बी और ट्रायंगल पी एन क्यू को देखो क्या एंगल M इज इक्वल टू एंगल N इज इक्वल टू 90 डिग्री है से यस से यस यस सर क्या AM क्या एंगल B इज इक्वल टू एंगल C है क्या एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q है सॉरी एंगल B इज क्यों वाई दोनों सिमिलर है तो दोनों इक्वी एंगुलर होंगे तो क्या ये दोनों ट्रायंगल्स सिमिलर हो गए एंगल एंगल सिमिलैरिटी क्राइटेरिया से ट्रायंगल ए एम बी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी एन क्यू बाय एंगल एंगल सिमिलैरिटी क्राइटेरिया देयरफॉर सर ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू पी एन अपॉन पी दिस इज ए एम अपॉन पी एन दिस वॉज ऑल्सो इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर हो गया सर प्रूफ हो गया वैल्यूज पुट कर दो प्रूफ खत्म सिंपल सा प्रूफ है यार पूछ सर हम लोग BC अपॉन QR होल स्क्वायर का डायरेक्टली लिख सकते हैं इक्वल्स टू सर AB अपॉन PQ होल स्क्वायर इक्वल्स टू CA अपॉन RP होल स्क्वायर यू हैव टू गिव द रीजन व्हाई इट विल बी सो व्हाई इट विल बी सो सो बिकॉज़ दे ऑल आर मींस बोथ द ट्रायंगल्स आर सिमिलर बस खत्म आपके आपके सवाल में आपका जवाब छुपा हुआ है यही तो करना है So this is the proof. Now I think this proof is very similar, very simple. अगर पूछते हैं तो भी बहुत अच्छा नहीं पूछते हैं तो उनकी मर्जी लेकिन I can't leave any stone unturned, right? मैं नहीं चाहता कि एक सिंपल से प्रूफ की वजह से मेरे स्टूडेंट्स जिनके those my students who are about to create history, if this pandemic things, pandemic goes off, my students who are about to create history वो एक छोटे से प्रूफ की वजह से फंस जाए मैं ये बिल्कुल नहीं चाहूंगा और मुझे लगता नहीं है कि आप लोग भी ये चाहेंगे ठीक है अब कुछ प्रॉपर्टीज हैं प्रॉपर्टीज क्या है द एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स आर इन द रेशियो ऑफ द स्क्वायर ऑफ देयर कॉरेस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड्स अभी अभी देखा था द एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल आर इन द रेशियो ऑफ स्क्वायर ऑफ देयर कॉरेस्पॉन्डिंग मीडियंस एंड The area of two similar triangles are in the ratio of square of their corresponding angle bisectors. This is what we have as the areas of similar triangle and the some of the properties related to it. Moving to the next. Now this proof is very important. This proof will be asked in your exam. This proof can be asked in your exam. See,
बिफोर दिस सिलेबस वॉज मॉडिफाइड दे यूज टू आस्क दिस बट नाउ दे हैव इंट्रोड्यूस्ड 50% ऑफ योर पेपर 40% ऑफ योर पेपर इज द ऑब्जेक्टिव पार्ट सो माइट बी दे वॉन्ट आस्क दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन बट यस दे कैन आस्क उनकी मर्जी है भाई पूछ सकते हैं मुझे प्रूफ क्या करना है पाइथागोरस थ्योरम प्रूफ करना है सर पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलती है इन ए राइट ट्रायंगल द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेनस इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द अदर टू साइड्स किसी राइट एंगल ट्रायंगल में जो हाइपोटेनस का स्क्वायर है दैट इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड्स तो कहने का क्या मतलब है एबीसी इज ए राइट एंगल ट्रायंगल राइट एंगल्ड एट बी ABC is a right angle triangle, right angled at B. तो मुझे क्या प्रूफ करना है सर मुझे ये प्रूफ करना है AC square is equal to AB square plus BC square. This is what I'm required to prove. तो construction कर देते हैं भाई construction एक काम करते हैं भाई प्रूफ करना है तो कहीं ना कहीं हमें सिमिलर ट्राइंगल्स का यूज तो करना ही पड़ेगा तो सिमिलर ट्राइंगल्स का यूज करने के लिए काम करो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन हमें याद करनी पड़ेगी कि भाई construct BD perpendicular to AC. एक लाइन ड्रॉ किया एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया BD, which is BD drop perpendicular draw किया which is perpendicular to AC. BD draw किया which is perpendicular to AC. ठीक है सर अब दो ट्राइंगल्स को देखो जिन दो ट्राइंगल्स की बात कर रहा हूं आई विल यूज डिफरेंट कलर्स टू शो दीज टू ट्राइंगल्स एक ट्राइंगल हो गया सर ये वाला और दूसरा ट्राइंगल कौन सा है भाई दूसरा ट्राइंगल हो ओहो आई एम सॉरी द सेकेंड ट्राइंगल इज दिस वन ध्यान से देखना क्या बोलने जा रहा हूं इन दोनों ट्राइंगल्स की बात करते हैं हम सर एंगल बी डी ए इज इक्वल टू एंगल ए बी सी या इट इज इक्वल टू एंगल सी बी ए इट विल बी इक्वल टू एंगल सी बी ए दैट विल बी करेक्ट वन CBA, ठीक है नॉर्मली आई ट्राई टू राइट द एंगल्स इन सच ए मैनर रादर यू शुड ऑल्सो ट्राई टू राइट एंगल्स इन सच ए मैनर दैट द करेस्पॉन्डिंग साइड्स बिकम प्रोपोर्शनल दैट आई कैन डायरेक्टली से फ्रॉम हियर दैट बी डी अपॉन सी बी इज इक्वल टू डी ए अपॉन बी ए दैट आई विल शो यू लेटर ऑन ये दोनों एंगल्स इक्वल हो गए क्यों क्योंकि सर ये दोनों एंगल्स 90 डिग्री हैं ये दोनों एंगल्स 90 डिग्री हैं सर सर सिमिलरली एक और बात कह सकता हूँ क्या कह सकता हूं कि एंगल बैड इज इक्वल टू एंगल सी ए बी एंगल बैड इज इक्वल टू एंगल सी ए बी व्हाई बिकॉज दिस एंगल इज कॉमन देयरफॉर दीज टू एंगल्स आर दिस एंगल इज कॉमन नाउ फ्रॉम एंगल एंगल सिमिलैरिटी क्राइटेरिया आई कैन से दैट दीज टू ट्राइंगल्स ट्राइंगल BDA is similar to triangle CBA. BDA is similar to triangle CBA. ये हमने कह दिया यहां से अब जब ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए सर तो रेशियो लिख दो ना रेशियो लिखो रेशियो क्या हो जाएगा AD upon AB is equal to AB upon AC. AD upon AB is equal to AB upon AC. From here, what I am saying that AD multiplied by AC. will be equal to AB square. AD multiplied by AC is equal to AB square. Now what I will tell you, now what I am going to show you, something different. अब क्या करो अब जो दो ट्राइंगल्स बताने जा रहा हूं उन दोनों ट्राइंगल्स को ध्यान से देखना एक ट्राइंगल ये वाला हो गया और दूसरा ट्राइंगल सर दूसरा ट्राइंगल कौन सा होगा सर दूसरा ट्राइंगल होगा ये वाला ये दोनों ट्राइंगल्स अगर मेरे सिमिलर हो गए सर तो मैं क्या कह सकता हूं सीडी मल्टीप्लाइड बाय एसी इज इक्वल टू बीसी स्क्वायर ठीक है सर ये दो चीजें मैंने यहां से प्रूफ की अब मैं क्या करूंगा जरा इन दोनों रिलेशंस को ऐड कर दो इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इक्वेशन नंबर सेकंड को जब हम ऐड करेंगे तो आई एम गेटिंग एसी मल्टीप्लाइड बाय एडी प्लस सीडी इज इक्वल टू एबी स्क्वायर प्लस बीसी स्क्वायर एसी मल्टीप्लाइड बाई ए डी प्लस सी डी इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर सॉल्व किया तो मुझे मिला ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर दिस इज वॉट आई एम हैविंग एज द
proof of this Pythagoras theorem. This is very important. This is very important. Now I'm asking you one question. I'm asking you one question and I will give you 2 minutes to think on it. The question is triangle BAD similar to triangle B, triangle CDB? Is triangle BAD similar to triangle CDB? This is what? Yes, sir, they are similar. Why? Yes, sir, they are similar. Because they are similar to similar to the same triangle. So they are also yes, similar to each other. So like BAD is similar to ABC and CDB is also similar to ABC. So from that way, we can say that ABD equals similar to CDB. अच्छा ऐसा होता है क्या? मुझे तो नहीं पता था कि ऐसा होता है. और एक तरीके से भी कर सकते कि अगर कोई भी एक सी या ए में से थीटा मान ले तो बाकी सारे 90 माइनस थीटा होगा एक और दूसरा उस तरफ 90 माइनस थीटा फिर ए से सिमिलर कर सकते हैं. वेरी गुड दिस इज व्हाट आई वांटेड टू लिसन फ्रॉम टू ट्रायंगल्स व्हिच आर सिमिलर टू द सेम थर्ड ट्रायंगल आर सिमिलर टू ईच अदर. ऐसा करके हमने कोई एक्सियम या ऐसा करके कोई हमने थ्योरम नहीं पढ़ा है तो आई विल सजेस्ट यू टू नॉट टू यूज दिस. Rather, अगर यहाँ पे congruent होता तो हम ये यूज कर सकते थे कि टू ट्राइंगल्स विच आर congruent टू ए थर्ड ट्राइंगल आर congruent टू ईच अदर. यूक्लिड्स एक्सियम में हम लोगों ने ये चीज पढ़ी थी कि टू थिंग्स विच आर इक्वल टू द थर्ड थिंग आर इक्वल टू ईच अदर. ये बात हम लोगों को यूक्लिड ने सर यूक्लिड हम लोगों को ये बात आज से 2700 साल पहले बता के जा चुके. बट हियर आई कांट अप्लाई दैट बिकॉज सी होता है ये मुझे पता है लेकिन ज्योमेट्री में जब आप प्रूफ लिखना शुरू करते हो दिस इज वेरी डेंजरस. यहां पे आप कुछ भी लिखोगे अगर प्रूफ के नीचे वाले पैराग्राफ में अगर मैं ये लिखता हूं कि आई एम एन इमेज तो वहां पे मुझे नीचे अपना आधार कार्ड नंबर देना पड़ेगा. सिंस माय आधार कार्ड नंबर इज दिस 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 एंड दिस आधार कार्ड बिलोंग्स टू एन इमेज देयरफॉर आई कैन से दैट आई एम एन इमेज. बात समझ में आई? प्रूफ जब आप लिख रहे हो तो आपको हर स्टेटमेंट का एक लॉजिक लिखना पड़ेगा. नहीं लिखोगे नंबर लूज करोगे. दिस थिंग इज वेरी वेरी इक्वली वैलिड. कैसे सर? इस एंगल को अगर मैं एक्स मानता हूं या आपके दोस्त ने कहा इस एंगल को थीटा मान लो तो ये वाला एंगल 90 माइनस एक्स होगा. ये वाला 90 माइनस एक्स क्यों होगा? बिकॉज दिस इज ए राइट एंगल ट्राइंगल. फर्दर अगर ये एंगल 90 डिग्री है ये एंगल x है तो सर ये वाला जो एंगल होगा ये एंगल होगा 90 डिग्री 90 माइनस x. फर्दर ये एंगल 90 माइनस x है ये वाला 90 डिग्री है तो ये वाला एंगल x होगा. सो नाउ आई कैन से दैट द टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर बाय AAA सिमिलैरिटी क्राइटेरिया और बाय एंगल एंगल सिमिलैरिटी क्राइटेरिया. इस रिजल्ट को याद रखना. इस रिजल्ट से एक चीज मुझे पता चलती है. Using the similarity, I can say I can derive one result from here that BD square is equal to AD multiplied by CD. This BD square is equal to AD multiplied by CD. This is a result that I get from this thing. कब use पड़ेगा? कहाँ use पड़ेगा? कैसे use पड़ेगा? मुझे नहीं पता. लेकिन use पड़ सकता है objectively. ठीक है, याद रखना इस रिजल्ट को. चलो आगे बढ़ते हैं. कन्वर्स की बात करते हैं सर. कन्वर्स में क्या करना है? कन्वर्स में जस्ट जो दिया है उसका उल्टा प्रूफ करना होता है. क्या रहता है? क्या रहता है भाई? इन ए ट्राइंगल इफ द स्क्वायर ऑफ वन साइड इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड्स देन द एंगल अपोजिट टू द फर्स्ट साइड इज ए राइट एंगल. Now what I'm having is, in a triangle, if the square of one side is equal to the sum of the other two, sum of the square of other two sides, then the angle opposite to the first side is a right angle. हमें ये proof करना है. हमें ये दिया हुआ है सर कि हमें ये दिया हुआ है कि AB square plus BC square
इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर, मुझे प्रूफ करना है कि एंगल बी, एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। हम कैसे करेंगे, हम इसको ऐसे करेंगे, हमारे पास दिया क्या है, एबीसी इज ए राइट एंगल ट्राइंगल सच दैट ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे हम, वी हैव टू कंस्ट्रक्ट ए ट्राइंगल डी ई एफ, एक ऐसा ट्राइंगल डी ई एफ कंस्ट्रक्ट करो, एक ऐसा ट्राइंगल डी ई एफ कंस्ट्रक्ट करो सच दैट डी ई इज इक्वल टू ए बी, एक ऐसा ट्राइंगल डी ई एफ कंस्ट्रक्ट करो सच दैट डी ई इज इक्वल टू ए बी, ई एफ इज इक्वल टू बी सी एंड एंगल ई इज इक्वल टू 90 डिग्री। कर सकते हैं, किसी को कोई दिक्कत? श्रेय सुने, कोई दिक्कत है बेटा इसमें? नो सर। स्तुति, कोई दिक्कत बेटा इसमें, इस कंस्ट्रक्शन में कोई दिक्कत? नो सर। नो सर। तो आगे बढ़े, अब क्या करना है? Now see, in order to prove that this angle is equal to 90 degree, हम एक काम करेंगे, दोनों ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूफ कर दिया जाए, और सिमिलर ट्राइंगल्स आर इक्विएंगुलर, ये बात हमें पता है। अब चलो भाई सिमिलर प्रूफ करने की कोशिश करते हैं। भाई देखो, ट्राइंगल डी ई एफ इज ए राइट एंगल ट्राइंगल, ये जो ट्राइंगल डी ई एफ है, दिस ट्राइंगल इज ए राइट एंगल ट्राइंगल, देयरफॉर पाइथागोरस थ्योरम यूज करके आई कैन से दैट डी एफ स्क्वायर इज इक्वल टू डी ई स्क्वायर प्लस ई एफ स्क्वायर। कह सकता हूं, बोलो भाई, ये जो ट्राइंगल है ये एक सिमिलर ट्राइंगल है, देयरफॉर पाइथागोरस थ्योरम यूज करके मैं ये कह सकता हूं डी एफ स्क्वायर इज इक्वल टू डी ई स्क्वायर प्लस ई एफ स्क्वायर। ये मैंने कर दिया। फर्दर सर, फर्दर मुझे एक बात और मिल रही है, वो ये मिल रही है कि भाई डी एफ वॉज इक्वल डी ई वॉज इक्वल टू ए बी एंड ई एफ वॉज इक्वल टू दिस थिंग बी सी। तो सर, कैन आई राइट दैट डी एफ स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, जस्ट से यस और नो? कह सकता हूं डी एफ स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, बट डी ई की जगह ए बी पुट कर दो और बी सी की जगह ई एफ पुट कर दो। कह सकते हो, से क्विकली यस और नो? नाउ मुझे ये दिया हुआ है कि ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर यूजिंग अगेन द यूक्लिड्स एक्सियम, इफ टू क्वांटिटीज आर इक्वल टू द सेम क्वांटिटी देन दे आर इक्वल टू ईच अदर, आई विल से दैट डी एफ स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर, डी एफ स्क्वायर विल बी इक्वल टू ए सी स्क्वायर, देयरफॉर आई कैन से दैट डी एफ इज इक्वल टू ए सी, आई कैन से दैट डी एफ इज इक्वल टू ए सी। अब भाई ये दोनों ट्राइंगल्स क्या हुए, ये दोनों ट्राइंगल्स ए बी सी और डी ई एफ, ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए। कॉन्ग्रुएंट लिख दो या सिमिलर लिख दो, बात बराबर है, क्योंकि चूंकि द रेशियो ऑफ द साइड्स इज सेम, देयरफॉर आई कैन से दैट द टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। तो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स इक्विएंगुलर होते हैं ना भाई, देयरफॉर एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई व्हिच इज इक्वल टू 90। ये भाई प्रूफ है पाइथागोरस थ्योरम के कन्वर्स का, सिंपल सी कहानी है, ठीक है, सिंपल सी कहानी है। कहानी यह है कि दस आई कैन से दैट द टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, द टू दैट आई कैन से दैट दिस एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। करना कुछ नहीं था, बस एक बात याद रखनी है कि मुझे एक राइट एंगल ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करना है सच दैट ए बी इज इक्वल टू डी ई, बी सी इज इक्वल टू ई एफ। अब जब राइट एंगल ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट कर दिया तो सर मेरा काम हो गया, राइट एंगल ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट कर दिया, मेरा काम हो गया। सो दिस इज हाउ आई कैन गो विद द प्रूफ। नेक्स्ट, किसी को कोई डाउट है इस प्रूफ में तो पूछ लो भाई, एक 30 सेकेंड्स का टाइम देता हूं। अब अगला थ्योरम जो है, नाउ दिस थ्योरम इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्या थ्योरम है सर? सर द थ्योरम इज इन ए ट्राइंगल ए बी सी which is obtuse angled at B, if a triangle ABC is obtuse angled at B, what I will have is AC square, what I will have is AC square is equal to AB square plus BC square plus 2 times of BC multiplied by BD.
ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस टू टाइम्स ऑफ बी सी मल्टीप्लाइड बाई बी डी। ये तो हो गया भाई ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल के बारे में। एक्यूट एंगल ट्रायंगल में ये रिलेशन क्या हो जाएगा, जो प्लस था उसको माइनस कर दो। ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर माइनस ऑफ टू टाइम्स ऑफ बी सी इंटू बी डी, माइनस ऑफ टू टाइम्स ऑफ बी सी इंटू बी डी। ठीक है सर, ये हमारा प्रूफ है क्या बेटा? इसका प्रूफ हमारे लिए अभी इंपॉर्टेंट नहीं है, बट इफ यू वॉन्ट यू कैन ट्राई द प्रूफ ऑफ दिस, यू कैन ट्राई द प्रूफ ऑफ दिस। कैसे ट्राई करेंगे सर? सबसे पहले इस वाले ट्राइंगल में पाइथागोरस एडी प्लस डीबी का स्क्वायर लगा सकते हैं। हाँ, पहले इस वाले ट्राइंगल में एडी स्क्वायर प्लस बीडी स्क्वायर लिख दो, फिर आप क्या करो ए सी स्क्वायर को यू कैन राइट ए बी स्क्वायर एडी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर। नाउ व्हाट यू कैन डू यू कैन फर्दर राइट इट एज ए डी स्क्वायर प्लस ऑफ बी बी डी प्लस बी सी होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसको जरा एक्सपेंड करो, देखो क्या मिलता है। आई होप सुना है आपको, आपका प्रूफ मिल गया होगा। दिस इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस ऑफ टू टाइम्स ऑफ बी डी मल्टीप्लाइड बाई बी सी। अब तो सर ये तो फंस गए हम, अब क्या करें? नहीं फंसे, सवाल जवाब आपके सामने है, देखना आना चाहिए। ये देखो जरा, ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर इज वॉट ए बी स्क्वायर। दिस इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस टू टाइम्स ऑफ बी डी इंटू बी सी। हो गया बेटा प्रूफ? सर वो जो सी डी का, सॉरी वो ए डी स्क्वायर प्लस बी डी प्लस बी सी का सर है? बेटा ध्यान से देखो, जो सी डी है इज इट इक्वल टू बी डी प्लस बी सी इन फर्स्ट ट्रायंगल? अच्छा, आपने सेकंड से किया? हाँ सर। नहीं, मैंने फर्स्ट का प्रूफ लिखा। नहीं सर, वो सेकंड जो ए सी स्क्वायर ए डी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर, मैं ऊपर वाले से कर रहा था, इसी टर्म में इसी की बात कर रहे हो ना? हाँ यस सर, इसी की बात कर रहा हूँ ना। क्या दिक्कत है बेटा? सर जो आपने उसमें फर्स्ट लाइन लिखी ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर प्लस बी डी। अच्छा हाँ हाँ, ठीक है। इस लाइन को अभी फिलहाल थोड़ी देर के लिए इग्नोर कर दो। इग्नोर मत करो, इसकी जरूरत यहाँ पे पड़ेगी ना, इसकी जरूरत यहाँ पे। ठीक है, समझ में आ गया? कोई कंफ्यूजन है बेटा? नहीं सर। किसी और को कोई कंफ्यूजन है? प्रूफ फिर से समझा सकते हो? बेटा प्रूफ में क्या है, मैंने सबसे पहले ट्राइंगल ए डी सी में मैंने पाइथागोरस थ्योरम लगाया। ट्राइंगल ए डी सी में मैंने पाइथागोरस थ्योरम लगाया तो मुझे मिला ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर। अब मैंने जब ध्यान से देखा तो मुझे ये पता चला कि दिस सी डी इज नथिंग बट बी डी प्लस बी सी। दिस सी डी इज नथिंग बट बी डी प्लस बी सी, फिगर में देखिए। अब यहां पे बेटा मैंने ए प्लस बी होल स्क्वायर लगा दिया तो दिस इज इक्वल टू बी डी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस टू टाइम्स ऑफ बी डी इंटू बी सी। अब मैंने क्या किया, ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर की जगह मैंने ए बी स्क्वायर लिख दिया, इसकी जगह मैंने बी सी स्क्वायर लिख दिया और इसकी जगह मैंने टू टाइम्स ऑफ बी डी इंटू बी सी लिख दिया। खत्म हो गया, समझ में आया बेटा? क्या नाम है, कृष्णा? समझ में आया बेटा? समझ में आ गया। एनीबडी एल्स, जिसको ना समझ में आया प्लीज पूछ लीजिए। चलो सब लोग को समझ में आ गया। सिमिलरली आप लोग दूसरे वाले थ्योरम का भी प्रूफ लिख सकते हैं इफ आस्क्ड। अब एक सवाल है मेरे दिमाग में, सवाल क्या है, एप्लीकेशन। भाई कुछ भी पढ़ते हो उसका एप्लीकेशन होना चाहिए। तो एक एप्लीकेशन है मेरे दिमाग में, एक सवाल है मेरे दिमाग में कि सर एक ट्रायंगल है एबीसी, एक ट्रायंगल है एबीसी जिसके साइड्स हैं ए इज इक्वल टू से 20,
बी इज इक्वल टू 17 एंड सी इज इक्वल टू 11. ए इज इक्वल टू 20, बी इज इक्वल टू 17 एंड सी इज इक्वल टू 11. माई क्वेश्चन इज यू हैव टू टेल मी वेदर दिस इज ए ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल और दिस इज एन एक्यूट एंगल ट्रायंगल. राइट एंगल ट्रायंगल तो है नहीं, ध्यान सोचना मत कि राइट एंगल ट्रायंगल है बिकॉज ए स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तो राइट एंगल ट्रायंगल तो है नहीं. ऑब्ट्यूज है या एक्यूट है ये जरा सोच के बताओ जल्दी से, 30 सेकंड्स का टाइम है. टेन नाइन एट सेवन सिक्स फाइव फोर थ्री टू वन, टाइम अप. कोई सोच सकता है, कोई बता सकता है? वन मिनट एक्स्ट्रा ले लो ट्वेंटी नाइनटीन एटीन सेवनटीन फिफ्टीन टेन नाइन एट फाइव थ्री टू वन, ओवर. वन मिनट इज ओवर. हाँ भाई धुरंधर हो, जरा पूछा जाए जरा एक आध से. अभी अभी एक रिलेशन पढ़कर आए हैं, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर माइनस टू टाइम्स ऑफ बी सी इंटू बी डी. ये रिलेशन था हमारा एक्यूट एंगल ट्रायंगल का. सबसे बड़ी वाली साइड का स्क्वायर निकालो, बाकी की दो साइड्स का स्क्वायर निकालो और चेक करो ये दोनों का स्क्वायर बराबर है कि नहीं है. यहाँ पे आपने क्या मिला आपको 400, यहाँ पे आपको मिला 400 इज इक्वल टू 17 स्क्वायर इज 289 प्लस 121, तो दिस इज मोर देन 400, दिस इज मोर देन 400. इसकी वैल्यू कितनी आ रही है भाई? 410 आ रही है ना, दिस इज 410. This is 410. मतलब if in any case this should be equal to this, मुझे कुछ माइनस करना पड़ेगा, मुझे 10 माइनस करना पड़ेगा. अब that is a different thing कि BC की वैल्यू कितनी होगी और BD की वैल्यू कितनी होगी वो छोड़ दो, उससे मुझे मतलब नहीं है. I'm not concerned about that. But what I am concerned about that is I have to subtract something. That is why this angle will be my acute angle triangle. This angle will be acute angle triangle. Is it clear? Yes, sir. Chalo. आगे बढ़ते हैं. Next is Apollonius theorem. Apollonius theorem is बेटा इसका यूज बहुत बार आता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत बार इसका यूज आता है. ओ माय गॉड, आपकी क्लास लेते वक्त द टाइम फास्ट पासेस सो क्विकली. अपोलोनियस थ्योरम का बेटा यूज क्या आता है? इन एनी ट्रायंगल द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ एनी टू साइड्स इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द हाफ ऑफ द थर्ड साइड टुगेदर विद ट्वाइस ऑफ द मीडियन विच बाइसेक्ट्स द थर्ड साइड. छोटी सी थ्योरम है, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में ऑब्जेक्टिव सॉल्व करते वक्त इसका बहुत ही ज्यादा प्रयोग किया जाता है. नहीं याद हो तो अपन पाइथागोरस से इसे डिराइव भी कर सकते हैं, वो कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है. क्या बोल रहे हैं? द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ एनी टू साइड्स इज इक्वल टू ट्वाइस द स्क्वायर ऑफ हाफ ऑफ द थर्ड साइड टूगेदर विद द ट्वाइस द स्क्वायर ऑफ मीडियन. देखो एक मीडियन भी चाहिए, मीडियन भी ड्रॉ कर दो. ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस द स्क्वायर ऑफ द मीडियन इज इक्वल टू टू टाइम्स ऑफ ए डी स्क्वायर प्लस ऑफ टुगेदर विथ ट्वाइस द स्क्वायर ऑफ द मीडियन हाफ ऑफ द थर्ड साइड That is two times of BC square upon 4. Two times of BC square upon 4 because the third side is BC.
the third side is BC, so BC square upon 4. So I can write that AB square plus AC square is equal to 2 times of AD square plus BC square upon 2. BC square upon 2. This is my Apollonius theorem. इसका use अपन तब करते हैं जब मुझे दिया हो कि हमारा जो triangle है, this is an scalene triangle, और अगर मुझे उसमें altitude की length निकालनी है, scalene triangle मतलब मेरे को सारी sides दी हुई हैं, अगर मुझे altitude की length निकालनी है, I can use this theorem to find the length of the altitude. Now see, listen to me very carefully. Median. Now listen to me very carefully. This theorem is not given in your syllabus. आपके syllabus में ये theorem नहीं दी हुई है, लेकिन इसका प्रयोग हम लोग करते हैं और इसका use हम लोग करते हैं while solving the objective questions. We use this theorem while solving the objective questions. So this is a very important theorem. So please be careful for this theorem. ठीक है? Questions आएंगे, करेंगे. नहीं याद आया कुछ और करेंगे. लेकिन theorem याद होनी चाहिए. Next is 3 times the sum of the square of the sides of a triangle is equal to the 4 times the sum of the square of the median. कोई जरूरत नहीं है याद करने की. क्या theorem है? 3 times of AB square plus BC, AB square plus BC square plus CA square is equal to 4 times of AD square plus DE square plus CF square. ठीक है? This is the theorem. So, जब जरूरत पड़ेगी तो इसको देखेंगे कैसे करना है, क्या है proof, whatever. Proof is not required. हाँ, you cannot use this as an standard result while solving your school questions. But yes, these results can be used while solving the objective questions. Okay. So this is about the chapter. So we have done the theoretical discussion of the chapter. Now, what I will do is I will quickly move to some of the questions that I want to solve. So just give me a second's time. Let us discuss the question quickly. Solve this question number five. Solve this question number five. I don't have much time. I want you guys to solve quickly. Ho gaya? Ho gaya, bhai log? नहीं सर नहीं हुआ सर, मतलब ऐसे हो कर रहा हूं अभी. आज कम ऑन यार. ओके, आई एम काउंटिंग लास्ट 10 seconds. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Stop. हाँ भाई, नहीं हुआ. चलो मैं बताता हूँ, मैं हेल्प करता हूँ आप लोग की. सर 10 seconds हो सकते हैं. चलो ठीक है, करो, ट्राई करो. भाई एक बच्चे ने बोला 25/81, दूसरे बच्चे ने बोला 25/16, और ऑडियंस पोल कुछ मिल नहीं रहा है मेरे को, बिकॉज ऑडियंस इज नॉट स्पीकिंग एनीथिंग. बोथ ऑफ यू आर एब्सोल्यूटली इनकरेक्ट. व्हाई? ऐसा क्यों सर? व्हाई वी आर इनकरेक्ट? द रीजन इज देखो, यहाँ पे सबसे पहले तो सवाल को इसीलिए. क्या बेटा? सर वो ट्राइंगल सीडी है इसीलिए. एग्जैक्टली. आप लोगों ने, मेरे हिसाब से जो आप लोगों ने गलती की, आप दोनों ने, पीयूष एंड श्रेय, आप लोगों ने ये गलती की कि आप लोगों ने क्वेश्चन को शायद ध्यान से देखा नहीं. ट्राइंगल सीईडी पूछा है बेटा.
ट्राइंगल सीईडी पूछा है सर, वही किया है, वही नोटिफिकेशन। अच्छा वही किया है, वेरी गुड। तो सबसे पहले तो भाई सीईडी को ज्वाइन कर दो, ट्राइंगल पूछा तो ट्राइंगल बनाओ ना यार पहले। अब एरिया ऑफ द ट्राइंगल निकालना है मुझे, एरिया ऑफ ट्राइंगल एडीई निकालना है और एरिया ऑफ ट्राइंगल सीईडी निकालना है। कैसे निकलेगा एरिया? सर एक काम करते हैं, एक डीएफ पैरेलल डीएफ ड्रॉ करते हैं परपेंडिकुलर टू एसी। कंस्ट्रक्ट ड्रॉ डीएफ परपेंडिकुलर टू एसी। नाउ एरिया ऑफ ट्राइंगल एडीई, एरिया ऑफ ट्राइंगल एडीई विल बी इक्वल टू, ये एफ है हा, हाफ मल्टीप्लाइड बाय डीएफ मल्टीप्लाइड बाय ए एफ, राइट? श्योर सही हूं? बताओ जल्दी बताओ यार। दूसरा ए ई क्यों होगा? सॉरी सॉरी ए ई होगा, हाँ ठीक है ई होगा, हाँ ए ई होगा यार। दूसरा एरिया ऑफ ट्राइंगल डी बी सी विल बी इक्वल टू हाफ मल्टीप्लाइड बाय डी एफ मल्टीप्लाइड बाय बी सी, से यस और नो? बीसी नहीं, बीसी नहीं, बीसी नहीं, क्या है ये? ईसी सर, वो ट्राइंगल डीईसी होगा, डीबीसी नहीं, ये डीईसी है, हाँ ठीक है। एरिया ऑफ ट्राइंगल डीईसी इज इक्वल टू हाफ मल्टीप्लाइड बाय डीएफ मल्टीप्लाइड बाय ईसी, सही है? दोनों ट्राइंगल्स का रेशियो जरा निकाल दो यार, दोनों ट्राइंगल्स का रेशियो निकालोगे जो पूछा है, दिस विल बी इक्वल टू ए ई डिवाइडेड बाय ईसी। DF DF कैंसिल हो गया, AE डिवाइडेड बाय EC निकालना है। अब AE डिवाइडेड बाय EC कैसे निकालेंगे? देखो भाई, ये जो हमें ये दिया हुआ है कि दिस DE इज पैरेलल टू BC, सो आई कैन से AD डिवाइडेड बाय BD, AD डिवाइडेड बाय BD इज इक्वल टू AE अपॉन EC। दिस आई कैन से, तो AE अपॉन EC की जगह AD डिवाइडेड बाय BD रख दो, दैट इज इक्वल टू 5/4, 5/4 ही है ना, सो द रिक्वायर्ड रेशियो विल बी इक्वल टू 5/4। इसी को कहते हैं हर चमकती हुई चीज सोना नहीं होती, जहां एरिया देखा वहां स्क्वायर नहीं होगा, ठीक है? श्रेय पीयूष समझ में आया बेटा? व्हाट वाज द मिस्टेक यू आर डूइंग? अदर्स समझ में आया बच्चों? Yes, sir. Hello. Yes, with this sir. note, I am ending your class. I will send you the sheets. I will send you the Excel sheet in around half an hour. तो जिसके हिसाब से आपको करना है and board level. बेटा, you have to solve check your progress 3, check your progress 4, previous year board level exercise 1, everything. I will be discussing whole thing on Saturday. That is the last class of your week. Last class of your next week, and from Tuesday I will start the next chapter. So I will send you a planner today. आप लोगों को किस हिसाब से क्वेश्चन सॉल्व करने हैं? Some of you, the lucky among you, have to solve whole exercise. The lucky among you have to solve each and every question, and every one of you would be luckier one day or the other. Every one of you would be luckier one day or the other. हाँ कृष्णा, जल्दी बोलिए। थोड़ा सा ऊपर लेके जा सकते हो फिर? हाँ बोलिए। हाँ सर, सर यहाँ पे एरिया ऑफ डीईसी ट्राइंगल डीईसी सर, उसमें डीएफक्यू आपने मतलब डीएफक्यू यूज किया बेटा? एरिया ऑफ द ट्राइंगल इज इक्वल टू हाफ मल्टीप्लाइड बाय बेस मल्टीप्लाइड बाय एल्टीट्यूड। मुझे इस ट्राइंगल डीईसी का एरिया निकालना था, तो मेरे पास बेस तो था लेकिन मेरे पास एल्टीट्यूड नहीं था, इसलिए मैंने एल्टीट्यूड को ड्रॉ किया। ठीक है भाई लोग? सर आपने एल्टीट्यूड ड्रॉ किया सर, वो कौन सा वाला? डीएफ ड्रॉ किया। ओके सर, लो लिख देता हूं, ड्रॉ डीएफ परपेंडिकुलर टू एसी, ठीक है? चलो भाई, विद दिस नोट आई विल एंड योर क्लास नाउ, एंड आई विल सी यू गाइस टुमारो एट व्हाट टाइम? टुमारो एट 10 AM, राइट? सो आई विल सी यू गाइस टुमारो एट